आपको मिलेगा हर खबर राष्ट्र की आवाज पर। आइए देखते हैं आज की पहली खबर संख्या एक। झाझा नगर पंचायत की ओर से बाजारों में फुटपाथ दुकानदारों को दिया जा रहा है अस्थाई प्रमाण पत्र। झाझा से वसीम अकरम की रिपोर्ट। झाझा नगर पंचायत की ओर से बाजारों में फुटपाथ दुकानदारों को दिया जा रहा है अस्थाई प्रमाण पत्र। बता दें कि बाजारों में जितने भी सड़क के किनारे छोटे छोटे दुकान लगाते हैं उनका दुकान खुलने का समय और एक फोटो नगर पंचायत की ओर से लिया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत के टाउन ब्रीडिंग कमेटी का सचिव भैयालाल माधुरी के द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन और महामारी के कारण विशेष फोकस फुटपाथ वालों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। इन्होंने कहा कि सरकार के पास जो डेटा होना चाहिए दुकानदारों और फुटपाथियों का, वो सर्वेक्षण का कार्य कई वर्षों से हो रहा है, खास करके झाझा नगर पंचायत के फुटपाथ दुकानदारों का, लेकिन आज तक कोई भी सरकारी लाभ इन दुकानदारों को नहीं मुहैया कराया गया। इसी कारण झाझा नगर पंचायत की ओर से और केबीसी के माध्यम से सभी फुटपाथ दुकानदार को सूचित किया गया कि दिसंबर माह तक सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा ले और जिनका डेटा सरकार तक पहुँच सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैयालाल माथुरी है, टाउन ब्रांडिंग कमेटी का मैं सचिव हूँ झाझा नगर पंचायत। अभी जो अनाउंसमेंट आप कर रहे थे, किस विषय पर अनाउंसमेंट कर रहे थे? सरकार का इस लॉकडाउन में वैश्विक महामारी के कारण फुटपाथियों पर विशेष फोकस हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है। इसी के निमित्त सरकार के पास जो डेटा होना चाहिए फुटपाथियों का, खास करके झाझा नगर पंचायत का, सर्वेक्षण का काम कई वर्षों से हो रहा है लेकिन किसी भी फुटपाथियों को आज तक कोई भी सरकारी लाभ मुहैया नहीं हो सका। इसी के कारण हमारे झाझा नगर पंचायत की ओर से और टीवीसी के माध्यम से यह प्रचार कर करके लोगों को, फुटपाथी और रेहड़ी पटरी वाले बंधुओं को सूचित किया जा रहा है कि आज दिसंबर माह तक कम से कम इस महीने में सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाए, सभी को पंजीयन कराने के बाद सरकार के पास डेटा चला जाएगा और जिससे कि सरकार का तमाम सुविधाओं का लाभ हमारे फुटपाथी विक्रेता भाइयों को मिल सके। क्या क्या लाभ मिल सकता है सर इसमें से? अभी तो सरकार का एमएसएमई के तहत जो है फुटपाथियों को 10,000 का ऋण मुहैया कराने का लक्ष्य है, जिसमें मोदी जी संकल्पित हैं सभी फुटपाथियों को बिजनेस खड़ा करने के लिए 10,000 का ऋण दिया जा रहा है, जिसमें से किसी भी एक भी फुटपाथी को अभी लाभ लेने में सक्षम नहीं है। इसीलिए सबको रजिस्ट्रेशन करवा करके, स्मार्ट कार्ड मुहैया करवा करके ऋण के लिए आवेदन शुरू करेंगे। क्या क्या पेपर लग रहा है इन लोगों को? इसमें जरूरी दस्तावेज लग रहा है, दुकानदार अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो देंगे, पारिवारिक फोटो देंगे पासपोर्ट साइज का एक, और बैंक पासबुक का फोटो कॉपी देंगे, और 14 वर्ष से ऊपर तक के सभी परिवारों का आधार कार्ड का ब्यौरा लगेगा। इतने में ही उसका रजिस्ट्रेशन होगा और स्मार्ट कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।